बद्दी के हाउसिंग बोर्ड फेज वन में रिहायशी मकान के कमरे में अचानक आग लग गई और आग लगने से कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र, जो कि किराए के कमरे में रहते थे, उसके कमरे में एक तरफ लगी प्लास्टिक शीट से आग कमरे में पहुंची और कमरे में रखा फ्रिज, बेड बॉक्स और अलमारी उसकी चपेट में आ गई। उस समय वह ड्यूटी पर गया हुआ था। मकान मालिक ने उसे फ़ोन पर सूचना दी थी। आग बढ़ती देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग बद्दी को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि हाउसिंग बोर्ड फेज वन में हिमुडा कॉम्प्लेक्स के साथ एक कमरे में आग लगी है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग लगने से लगभग कमरे में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है और करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी बचा लिया गया है। सर, हमें ठीक 17:02 पे सूचना मिली। जैसे हम सूचना मिली, हम तुरंत मौके पर पहुँचे कि देखा कि हाउसिंग बोर्ड में राजेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति जो टॉर्क फार्म में जॉब करता है, उनके किराए के कमरे में आग लगी थी। आग बुझाने में कम से कम आधा घंटे का टाइम लगा। तो कितना नुकसान हुआ है सर? नुकसान सर अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 रुपए का बता रहे हैं, जिसमें फ्रिज है, बेड है, अलमारी है, किचन का सामान है। बचाई गई संपत्ति सर बहुत बड़ा बिल्डिंग है, करोड़ों में ही है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।